दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई। इस बैठक का गैर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल हुई। बैठक जारी ही थी कि ममता बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर चली आईं। बाहर आकर उन्होंने मोदी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। तो क्या कहा ममता ने, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई। इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होना था और इसमें शामिल होने के लिए एनडीए शासित राज्यों के सीएम दिल्ली भी पहुंचे, लेकिन बजट के राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए गैर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का पहले ही बहिष्कार कर दिया था। लेकिन इस बहिष्कार के बावजूद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नीति आयोग की इस बैठक में शामिल हुई। नीति आयोग की यह बैठक जारी ही थी कि अचानक ममता बनर्जी बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल आई। बाहर आकर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। ममता ने सरकार पर उन्हें बोलने नहीं देने और उनके माइक बंद करने का आरोप लगाया। ममता ने इसे बंगाल के साथ साथ पूरे विपक्ष का अपमान बताया है। ममता ने केंद्र सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं बोलना चाहती थी लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया, जबकि मुझसे पहले के लोगों को 10 से 20 मिनट तक अपनी बात रखने का मौका मिला। विपक्षी गठबंधन से मैं अकेली हूँ जिसने इस बैठक में भाग लिया है, लेकिन फिर भी मुझे बोलने नहीं दिया गया। ये काफी अपमानजनक है। ये सिर्फ बंगाल का ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों और पूरे विपक्ष का बड़ा अपमान है। ममता बनर्जी के ये आरोप सीधे तौर पर मोदी सरकार के सबका साथ और सबका विकास वाले वादे को जुमला करार देते हुए सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। DB लाइव की रिपोर्ट।